हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू लीड कोडिंग। आई एम योर होस्ट फराज। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SQL के बारे में। आपको SQL कहाँ से करनी है, किस लेवल तक करनी है एंड कहाँ कहाँ SQL का यूज़ होता है ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। तो SQL बेसिकली आपका DBMS का ही एक पार्ट है। DBMS को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, SQL एंड थ्योरी पार्ट। तो थ्योरी पार्ट तो थोड़ा सा आपका स्कैटर्ड है, अलग अलग रिसोर्सेज हैं। मैं आपको कोई बुक नहीं देना चाहता मोटी सी जो आप पढ़ें, वैसे भी आप लोग बुक्स पढ़ेंगे नहीं, गजब बेइज्जती है। तो इसके लिए मैं एक अच्छी सी आपको प्लेलिस्ट बना के दूंगा थ्योरी करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी SQL की वेटेज आपके थ्योरी की वेटेज से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। SQL आपके राउंड वन जो कि आपका ऑनलाइन असेसमेंट होता है उसमें भी यूज़ होता है एंड साथ साथ आपके जो टेक्निकल राउंड्स होते हैं उसमें भी यूज़ होता है। और अगर आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं तो SQL की रिक्वायरमेंट उसमें भी हो जाती है। थ्योरी की भी वीडियो आपको जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगी एंड मैं उसमें काफ़ी सारी आपको वीडियोज़ बता दूंगा जहाँ से आप लोग आसानी से अपना थ्योरी पार्ट भी कवर कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी इन 30 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहूं तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए होती है एंड वो मोटिवेशन मुझे आपके लाइक से और आपके शेयर से मिलती है। तो वीडियोज़ को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड अपना फीडबैक कमेंट्स में लिख देना। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने डे नंबर 4 की। तो ये चैलेंज का डे नंबर 4 है। यहाँ पर आप लोग अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में जाके मेंशन कर देना आपने कौन से क्वेश्चन किए। तो मैंने आज 3 क्वेश्चंस किए थे जिसमें से 2 क्वेश्चन मेरे बाइनरी सर्च के थे और 1 क्वेश्चन मेरा स्टैक का था। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा और अभी चलते हैं और देखते हैं कि SQL आपको कहां से कवर करनी है। तो सबसे पहले तो आपको SQL की थ्योरी आना जरूरी है एंड थ्योरी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है हमारा यहां पर W3 School। तो W3 School पे आपकी अच्छे से थ्योरी हो जाएगी, आपको सारे बेसिक्स पता चल जाएंगे। तो इसमें आप लोग किसी भी टॉपिक पे जाएंगे, उसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद लास्ट में एक एक्सरसाइज भी होगी। तो इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं ये वेरीफाई करने के लिए कि आपने जो समझा है वो सही समझा है या गलत। तो ये इस तरीके से आप लोग ये सारे टॉपिक्स कर लेंगे। ये टॉपिक्स आपके आसानी से 2 या 3 घंटे में कवर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। अगर कोई ज़्यादा फोकस्ड होगा तो आधे घंटे में भी आपके कवर हो सकते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग को चाहिए थोड़ी सी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास मेन 2 रिसोर्स हैं। पहला है Leetcode। तो सबसे पहले Leetcode पे चलते हैं। Leetcode पे आपको जाना है डेटाबेस वाले सेक्शन पे। यहाँ पर प्रॉब्लम्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिख जाएंगी जिसमें से मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स लॉक्ड हैं, आई एग्री, बट उनको आप स्किप कर दो। जो भी अनलॉक्ड वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको आप कर लो। जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम खोल के रखी हुई है, क्लास मोर देन 5 स्टूडेंट। एक आपकी SQL की बेसिक प्रॉब्लम है, इसको आप कर सकते हैं एंड अपना कोड यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपसे इनकेस ये प्रॉब्लम नहीं हो पाती है देन आप इसके डिस्कस सेक्शन में जाएंगे एंड डिस्कस में जाके आप दूसरों के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। देन इसको कंप्लीट करने के बाद आप लोग अगले प्लेटफॉर्म पर चलेंगे जो कि है हैकर रैंक। Leetcode पे यूजुअली आपको ईजी वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, हैकर रैंक पे आपको सारी वैरायटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप इसमें SQL वाले सेक्शन में जा सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड उसके बाद आपको पूरी वैरायटी मिल जाएगी क्वेश्चंस की अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल सॉर्टेड। एंड यहाँ पर आप सब डोमेन्स में जाके अपने टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, बेसिक सेलेक्ट, एडवांस सेलेक्ट, एग्रीगेशन, बेसिक जॉइंट, ये सारे टॉपिक्स हैं। आप इन टॉपिक्स पे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छे से SQL कर ली है तो वो ज़रूर एक बार चैलेंजिंग क्वेश्चंस को ट्राई करके देख लेना। दूसरी चीज़ ये है कि आपके जो फर्स्ट राउंड में क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़े से चैलेंजिंग होते हैं। उसमें 2 या 3 स्कीमा दिए होते हैं एंड उसमें से आपकी क्वेरी पूछी जाती है। तो इट इज़ बेटर कि आप लोग इसके मीडियम और हार्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं, मीडियम और एडवांस वाले क्वेश्चंस, वो एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका SQL पूरा कंप्लीट 100% डन हो जाएगा, खत्म, एंड यू आर रेडी फॉर योर इंटरव्यूज। SQL में अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सब करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। आई थिंक ये आपका 2 या 3 दिन में आराम से हो जाना चाहिए। अगर कोई बहुत धीरे धीरे करना चाहता है अलॉन्ग विद अदर थिंग्स देन वो आराम से इसको 6-7 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमने कौन से क्वेश्चंस आज किए हैं। तो सबसे पहले तो हमने रैंकिंग देख लेते हैं जो कल से थोड़ी सी कम हुई है। उसके बाद हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 952 हो चुके हैं एंड हमने आज ये 3 क्वेश्चंस किए थे। फाइंड द स्मॉलेस्ट डिवीजर गिवन अ थ्रेशहोल्ड, बाइनरी सर्च का बहुत बेसिक बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। देन मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू मेक एम बुकेट, ये भी बहुत सिंपल सा बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है। आप लोग इनको देख सकते हैं। बाइनरी सर्च अगर आपको नहीं आता है देन यू कैन फॉलो माय इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। अगर बाइनरी सर्च आपको नहीं आता है देन यू कैन गो टू माय चैनल एंड इस पे आपको एक सीरीज मिल जाएगी, फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज। इस सीरीज में जाने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बाइनरी सर्च वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा, समवेयर ओवर हेयर बाइनरी सर्च।
बाइनरी सर्च के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर गिवन हैं, वो क्वेश्चंस एक बार अपने आप से ट्राई कर लेना। अगर नहीं होते हैं तो आप लोग सॉल्यूशन वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद आपका बाइनरी सर्च का कितना भी एडवांस क्वेश्चन आ जाए आपसे इजीली हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा मेक द स्ट्रिंग ग्रेट। तो ये क्वेश्चन भी आप एक बार रीड करके देख सकते हैं, अपने आप से समझना आपको कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ करना चाहिए एंड कैसे आपको ये क्वेश्चन करना है। अगर नहीं होता है देन यू कैन ऑब्वियसली लुक फॉर द सॉल्यूशन इन द डिस्कस। ठीक है, तो अब आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। मैंने आपको सारे रिसोर्सेज भी बता दी हैं एसक्यूएल करने के एंड आपको सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने के भी रिसोर्सेज बता दिए हैं। बाकी सारी चीज़ भी हम फ्यूचर वीडियोस में कवर करते रहेंगे एंड अपनी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम की तैयारी कंटिन्यूअसली रखना है टिल दी एंड। ऑलराइट गाइस, फिर हम लोग कल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।